और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, सुनील जाखड़ का। नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला, सीएम को कमजोर करने की कोशिश बहुत हुई है, सुनील जाखड़ ने कहा। एजी और डीजीपी पर सवाल, सीएम गृहमंत्री पर सवाल है, अब हवा को साफ करने का समय आ गया है। सुनील जाखड़ ने कुछ इस अंदाज में सवाल खड़े किए हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला किया है। आपको याद है कि सुनील जाखड़ का नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आगे चल रहा था और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनील जाखड़ का नाम आगे किया था, मुख्यमंत्री की रेस में भी वे थे, लेकिन कहीं पर भी वो सामने नहीं आ पाए। लेकिन जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद नाराजगी का दौर शुरू हुआ, फिर वही से रिपीट सब कुछ हो रहा है, इस पर सुनील जाखड़ ने हमला बोला है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का सिद्धू पर हमला। अब आइए ट्वीट पढ़कर बता देते हैं कि सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। वो लिख रहे हैं कि अब बहुत हो गया, सीएम के अधिकारों में हस्तक्षेप और उनको कमजोर करने की कोशिश खत्म होनी चाहिए। एजी और डीजीपी के चयन पर सवाल, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की सत्य निष्ठा और क्षमता पर सवाल है, ये पैर नीचे रखकर हवा को साफ करने का समय है। सुनील जाखड़ ने यह लिखा है अपने ट्वीट में, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़, उन्होंने सीधा हमला नवजोत सिंह सिद्धू पर बोला है। जब से वो कांग्रेस में आए हैं तब से कांग्रेस में कुछ भी स्थिर नहीं है, आए दिन कोई ना कोई घटनाक्रम घट रहा है और अब कांग्रेस में नौबत ये आ गई है कि पंजाब कांग्रेस बिखर गई है, कमजोर हो गई है।